दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 24x24 का सर्कल बोर्ड बनाने वाले हैं। इसकी जो हाइट है वो 3x3 फीट में होने वाली है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा बोर्ड हम बनाने वाले हैं। तो बाकी गाइज इस बोर्ड को बनाने में क्या क्या सामान लगने वाला है और वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और अगर आप इस बोर्ड को बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक प्लाई बोर्ड की। इस बोर्ड को बनाने के लिए प्लाई बोर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि ये जो है ना मुड़ता नहीं है। मैंने पहले गत्ता यूज़ किया था एक बोर्ड बनाने के लिए, वो थोड़ा मुड़ जाता है, तो प्लाई बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा 3x3 फीट का बनाना है तो ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मार्किंग कर ली है क्योंकि मुझे इसको गोल कटवाना है, एक सर्कल के रूप में कटवाना है, तो इसलिए मैंने इसके चारों तरफ में निशान लगा लिया है सर्कल के रूप में। तो बाकी देख सकते हो आप, सर्कल के रूप में मैंने इसको ग्राइंडर आता है काटने वाला उससे कटवा लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है एक स्प्रे की बोतल, यानी कि ये जो स्प्रे है ना ये ब्लैक कलर की स्प्रे है, जिससे कि इसके ऊपर जब मैं स्ट्रिप वगैरह लगाऊंगा ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर हमें देगी। तो चलिए फटाफट से पहले मैं इस काम को कर लेता हूँ। आप कोई और कलर के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसके ऊपर सारे कलर ना अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। तो बाकी देख लीजिए, मेरा यहाँ पर ये काम भी पूरा हो चुका है। इसके ऊपर मैंने बीच में मार्किंग कर ली है, 5 सेंटीमीटर का गोला बनाया है और मैंने मार्किंग प्लस में भी कर ली है क्योंकि मुझे उसके ऊपर लगानी है ये 5 वोल्ट वाली स्ट्रिप। तो इन स्ट्रिप का नाम है WS2812। तो गाइज ये जो है ना पिक्सल होती है, स्ट्रिप वाली पिक्सल एलईडी ने बोलते हैं, और इसका वो जो नंबर होता है वो होता है WS2812। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती हैं और काफ़ी पास होती हैं। तो अभी क्या करना है आपको, गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो आपको जो है यहां से ही इसको काट देना है। ठीक है गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपने इसको काट दिया है और इसके जैसे जैसे आपको पूरे 24 काटने हैं, क्योंकि हम 24x24 का एक सर्कल बोर्ड बनाने वाले हैं। तो देख लीजिए गाइस, मैंने आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए इनको पहले से ही काट के रखा हुआ था। अब आपको यहाँ पे चिपकाना कैसे है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर एक स्ट्रिप के अंदर ना एक एरो बना हुआ होता है। देखो, मैंने ये चिपका लिया है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, चिपका भी लिया है। और देखो, हर एक स्ट्रिप जो है ना उसके अंदर क्या है, एक एरो बना हुआ है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। देखो यहाँ से, देखो एरो ऊपर एरो नीचे, एरो ऊपर एरो नीचे, इस तरीके से आपको डाटा के कनेक्शन करने हैं। ठीक है गाइस, अब कुछ लोग यहाँ पे चकरा जाते हैं तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत करना, एक डाटा ऊपर एक डाटा नीचे। अब मैंने देखो क्या किया है, हर एक स्ट्रिप को 5 वोल्ट की सप्लाई भी दे दी है, यानी कि 5 वोल्ट, देखो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट सबके कॉमन कर लिए हैं। GND ग्राउंड, यानी कि हर एक स्ट्रिप का जो GND यानी ग्राउंड जो नेगेटिव होता है उसको भी कॉमन कर लिया है। और डाटा जो है किस तरीके से जाएगा, डाटा हमारा जो है वो S कनेक्शन में जाएगा, यहाँ से डाटा इन होगा और यहाँ से जाके ऐसे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, देख लीजिए, फिर नीचे से घूम के आएगा, देखो इस तरीके से घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो डाटा के कनेक्शन भी सिंपल हैं, तो सारा कुछ कर लिया है, चालू भी कर लिया है। तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कंट्रोलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये है कंट्रोलर J2000। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंट्रोलर है, मेड इन इंडिया कंट्रोलर है। इसके अंदर 4GB की मेमोरी लगती है और इस कंट्रोलर के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, आई बटन में देख लो, वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह से इसको पावर दिया है, यहाँ से और यहाँ से, जिससे कि पावर लॉस ना हो कहीं पे भी और हमारे जितने भी इफेक्ट है ना वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई दें। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, कंट्रोलर को अलग से पावर दिया है मैंने पावर सप्लाई से। और J2000 कंट्रोलर है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर है। यहाँ पे 220 वोल्ट दे दिया पावर सप्लाई को, और ये जो है, और J2000 जो कंट्रोलर है हमारा वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, मेड इन इंडिया ये कंट्रोलर है। और देख लीजिए पावर सप्लाई मैंने रेन प्रूफ 70 एम्पियर की यूज की है। तो ठीक है गाइज, आपने ये सब देख लिया है, तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इसके इफेक्ट दिखाता हूँ। तो गाइज फिलहाल आप इसके इफेक्ट देख सकते हो, 24x24 का सर्कल बोर्ड है, इसके सारे इफेक्ट जो है ना भाई वो रेनबो में बने हुए हैं। और कितने कमाल के इफेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, गोल में भी मिलेंगे और वैसे भी मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा चमक धमक है गाइज। इतना तो मैं अपनी रियल आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि देखो कैमरे की जो आई है वो छोटी होती है, हमारी आंख जो है बढ़िया होती है, इसलिए आंखों से जो आप देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बाकी अभी आप क्या कीजिए, इफेक्ट्स को एंजॉय कीजिए, बहुत सारे इसके अंदर आपको इफेक्ट मिलेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपको ये बोर्ड बनाना नहीं आता, आप रेडीमेड लेना चाहते हो, तो हमारे पास ये बोर्ड आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल आप इसके इफेक्ट को एंजॉय कर लीजिए। Thank you.